ये जो तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें ये महिला जो है अर्निया की रहने वाली है, नाम इनका जो है मधुबाला है। फिलहाल इनके बेटे जो हैं इस वक्त हमारे साथ हैं। इनका कहना है 4 सितंबर से जो इनकी माता जी है जो अपने घर से जो है चली है और अब तक जो है घर लौट के नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है अभी। तो कहाँ के रहने वाले हो अर्निया के? मैम, क्या हुआ था जिसमें आपकी मम्मी गई थी 4 सितंबर को? मैम एक्चुअली मैं स्टडी करने गया हुआ था, तो मेरे पीछे से फादर साहब बोल रहे हैं कि ये ट्यूशन सेंटर गए। तो मैम ट्यूशन सेंटर, चलो मैंने मान भी लिया तो गए हैं, तो ना ट्यूशन सेंटर पहुंचे ना वापस घर। ट्यूशन सेंटर के कोई टीचर थे? नो मैम, एक्चुअली मेरी ट्यूशन के लिए कंफर्म करने वाला। कितने बजे का टाइम था? 1:30 बजे। तो कल 1:30 बजे। तो परिवार में कौन कौन उस टाइम मौजूद था? फादर साहब ही थे। तो बहने आपकी, कोई भाई बहन हो? हाँ बहने स्टडी करने गई हुई, मैं भी स्टडी करने गया हुआ। तो ये तस्वीर जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, जितना हो सके इस तस्वीर को जो आप शेयर जरूर कीजिएगा कि ताकि पता लग पाए कि मधुबाला जो है 4 सितंबर से अभी तक अपने जो घर लौटी नहीं है। तो आपकी बहनें छोटी हैं बड़ी? मेरे से छोटी हैं। तो घर में इस टाइम कौन मौजूद था? आपके फादर से? हाँ फादर साहब। तो आपने फादर को पूछा नहीं क्या वजह थी? फादर साहब यही बता रहे हैं कि ट्यूशन सेंटर गए, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि ट्यूशन सेंटर गए। इस पे शक है आपको? शक अभी शक की बात ही नहीं है, प्रेजेंट टाइम जो बंदा है उसको तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। प्लीज कंप्लेंट करवाइए। हाँ प्लीज कंप्लेंट करवाइए। प्लीज कंप्लेंट, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि कोई क्ल्यू ही नहीं मिल रहा, हम आगे क्या करें। तो कभी लड़ाई झगड़ा आपके माँ बाप में कोई इस तरह का कोई कुछ हुआ? हाँ मैम पहले हुआ, पहले होता हुआ। कितना टाइम पहले? 6 मंथ पहले। तो क्या लगता है कहीं आप लोग घर पे नहीं थे? बच्चे तो आप लोग अपने पढ़ाई के लिए गए थे स्कूल वगैरह, तो आप मुझे बताओ कि जब घर पे पापा थे कोई लड़ाई झगड़ा तो? मैम अभी मेरे पीछे से मैं नहीं जानता, मेरे पहले तो नहीं हुआ, मेरे बाद की बात, मेरे बाद पता नहीं। क्या फील करना चाहते हो? मैं अभी यही करना चाहता हूँ कि मम्मा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आ रहे हैं वापिस घर। तो जब आप पापा को पूछते उस दिन क्या हुआ था, हम घर पे थे, पापा क्या कहते हैं? क्या है पापा? पापा यही बोलते हैं कि वो ट्यूशन सेंटर गए, बस यही बोलते हैं। आज इतने दिन हो गए अभी तक आपकी मम्मी घर नहीं आए? हाँ रिश्तेदारों में पता किया आपने? आगे पीछे नानके में? आगे सारे रिलेटिव, सारे बाकी रिलेटिव तो कोई नहीं दे रहा साथ, बाकी मामू और ही दौड़ रहे हैं, मामू और मतलब साथ। तो पुलिस स्टेशन तक आपने पता किया कंप्लेंट कराने के लिए? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि कोई क्ल्यू नहीं मिल रहा, हम आगे कार्रवाई क्या करें। सीसीटीवी कैमरा वगैरह आगे पीछे? मैम सारी फुटेज चेक की, किसी में नहीं आए, मगर 1% क्ल्यू नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर बताइए, जितना हो सके उस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इनकी माता जी हैं मधुबाला उनका नाम है, तो वो जल्द से जल्द मिले। अगर मधुबाला भी इस खबर को देख रही है तो वो अपने घर परिवार में है, जो वापिस आ जाए, उनके बच्चे जो हैं, बेटा उनका आप देख सकते हैं इस टाइम जो है जम्मू में आया है, यहाँ अपनी माँ को ढूंढता हुआ हर जगह जगह इन्होंने कोने कोने में जो अपनी माता को ढूंढा है। तो बेटियां भी जो अपने घर में अपनी माता का जो इंतजार कर रही है, खबर जो है अर्निया से निकलकर सामने, जहाँ मधुबाला जो है 4 सितंबर से अभी तक जो अपने घर लौटकर नहीं आई है, आखिर कारण क्या है ये सब कुछ नहीं पता। पुलिस में जो कंप्लेंट भी करवाई है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके शेयर से जो है अगर मधुबाला तक ये खबर पहुंचे तो वो जल्द से जल्द जो है अपने घर परिवार में वापस लौट कर आए। और अपडेट्स की और जानकारी के लिए जुड़े रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के साथ। मैं ही मानी धन्यवाद। चेंज है।